टेलीकॉम विभाग कंपनियों के लाइसेंस में बदलाव कर सकती है। ऑक्शन के तहत जीते हुए स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए चीनी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। क्या है पूरा अपडेट, ये जान लेते हैं असीम से। असीम बताइए, क्या अपडेट मिला आपको? देखिए, सरकार जो है नेशनल ट्रस्टी रिसोर्स का डायरेक्टिव जो है पिछले साल लेकर के आई थी, जिससे कि चाइनीज कंपनियों को टेलीकॉम सेक्टर से बाहर जो है वो रखा जाए, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया गया। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दूरसंचार विभाग जो है टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस में बदलाव करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। इसी हफ्ते इस लाइसेंस में बदलाव जो है वो किया जा सकता है। तो टेलीकॉम जो डायरेक्टिव है वो अप्रैल से जो है वो लागू हो सकता है। खासतौर पर इस डायरेक्टिव के लागू होने के बाद जो टेलीकॉम कंपनी है वो सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज यानी कि जो सरकार जो सोर्सेज बताएगी उन्हीं से ही अपने इक्विपमेंट जो है वो खरीद पाएंगी। और खासतौर पे कि अभी टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम जो है काफी ज्यादा नीलामी में जो है वो खरीदा है, तो जब भी स्पेक्ट्रम जो है टेलीकॉम कंपनियों को ये मिलेगा तो टेलीकॉम कंपनियां इस स्पेक्ट्रम के अंदर किसी भी चाइनीज वेंडर को जो है वो नहीं लगा पाएंगी। ये सरकार टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस में बदलाव जो है वो करने जा रही है। अगर टेलीकॉम कंपनियां इसको नहीं मानते तो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर 50 करोड़ रुपए प्रति सर्किल जुर्माना जो है वो भी हो सकता है। तो इसी हफ्ते के अंदर आप ये बदलाव जो है टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस के अंदर होता हुआ देख सकते हैं। और अप्रैल से ट्रस्टेड सोर्सेज का डायरेक्टिव जो है वो लागू हो जाएगा, जिससे कि भारतीय टेलीकॉम वेंडर्स को ज्यादा फायदा जो है वो होने वाला है, या फिर जो कहे कि यूरोपियन वेंडर्स है जिसमें कि सैमसंग है, एरिक्सन है, उनको भी फायदा जो है इससे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर अपडेट देने के। और रिसेंटली एक बड़ा टाइप हुआ भी था, वो भारतीय हुए वाला, जिसके बाद ये तमाम जो इवेंट्स हैं अनफोल्ड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।